गुड इवनिंग एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। पिछली अपनी जो क्लास थी, क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिटेल्ड स्टडी की थी। आज का जो अपना क्लास रहेगा वो इंग्लिश का क्लास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का रहेगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस जिसमें से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है टेंस का। तो चलिए बगैर किसी देरी की पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अपन अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बोर्ड पे प्रश्न रखा है वो रखा व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पहला सवाल ये है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, इस टेंस में कौन सी एक्शंस का अपन अध्ययन करते हैं, कौन सी कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन के माध्यम से मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। देखिए मेरे साथ पढ़ते जाइएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू, कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो संकेत करता है, इशारा करता है, डिनोट्स, हमको बोध करवाता है। डिनोट्स का हिंदी अर्थ होता है बोध करवाना, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमको बोध करवाता है दोज एक्शंस, उन कार्यों का इवेंट्स, उन घटनाओं का, दैट वर हैपनिंग फॉर पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जो भूतकाल के किसी विशेष समय पर या तो वो कार्य हो रहा था या फिर वो कार्य घटित हो रहा था। इट मीन्स अब वो कार्य नहीं होता है, वो कार्य समाप्त हो गया। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे कार्यों का अध्ययन करते हैं, ऐसे एक्शंस का, ऐसे इवेंट्स का अध्ययन करते हैं, हमको बोध करवाता है, जो भूतकाल में कभी जारी थे वर्तमान में वो काम जारी नहीं है। इनमें जिन एक्शंस का अध्ययन किया जाता है वो एक्शन हमें ये पता नहीं कि वो कब शुरू हुए, कब एंड हुए, बट डेफिनेटली वो काम अब समाप्त हो चुके हैं, वर्तमान में नहीं हो रहे। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन कि हम कौन कौन से एक्शन और इवेंट का इसमें अध्ययन करें। जैसे एक वाक्य के माध्यम से मैंने क्लियर किया इस डेफिनेशन को, सुरेश वॉज राइटिंग ए नॉवेल, सुरेश एक उपन्यास लिख रहा था, मतलब अब काम नहीं हो रहा है, लेकिन भूतकाल में किसी काल में किसी समय में उस समय वो काम उसका क्या था, जारी था। ये इस डेफिनेशन को पूर्णतः एक्सप्लेन करता है, यानी इसके लिखने का काम भूतकाल में किसी पार्टिकुलर समय पे हो रहा था। चलिए डेफिनेशन के बाद शुरुआत करते हैं इस टेंस की। इस टेंस में मैंने शॉर्ट रूल्स लिए हैं, बड़ा इजी वे से इसको मैंने तैयार किया है, इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आसानी से समझ में आएगा। पर सबसे पहले आपको यह नहीं सोचना है कि सिर्फ क्रेक फॉर्म हम कैसे ब्रेक कैसे पहचान करें। सबसे पहले मैंने इनके रूल्स के बारे में बताया कि कौन सा रूल जिसको काम में लेना है, और अंत में क्रेक फॉर्म की भी चर्चा मैंने की है। पहला अपना आज का रूल, सिंपल या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, भ्रमित नहीं होना है, तीनों एक ही नाम है। ये तो आप इसको साधारण वाक्य को सिंपल कह दो, चाहे अफर्मेटिव कह दो, चाहे पॉजिटिव कह दो, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें साधारण वाक्य में पहला जो रूल मैंने बताया है वो बताया है मैन वर्ब का। अगर हमको पता चल गया है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हमें एक्शंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है बेटा, आईएनजी लगाना है। याद रखिएगा, कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम जारी, और क्रिया के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो काम क्या दर्शाता है, जारी दर्शाता है। वो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, या फ्यूचर का होता है, और वो टेंस की जानकारी देने का काम होता है हेल्पिंग वर्ब का, वो कौन से काल में हुआ। लेकिन आपको इतना याद रखना है, जब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप पढ़ें या कोई करेक्ट फॉर्म भरें, तो आप याद रखें मैन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। देखिए बेटा, वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा रूट वर्ब के साथ ही लगता है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ कभी भी आईएनजी का प्रयोग भूल के भी नहीं करना। अगर आपको कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको वर्ब काम में लेनी है आईएनजी वाली, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आप आईएनजी लगाएं। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, जैसे देखिए प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी लगाने से क्या बन गया, प्लेइंग बन गया। जैसे स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगाने से स्लीपिंग बन गया। लाफ के साथ आईएनजी लगाने से क्या बन गया, लाफिंग बन गया। तो पहले पेज में हमने पास्ट कंटिन्यूस में कौन से एक्शन का अध्ययन करते हैं उनके बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होता है, आईएनजी का होता है। शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये जो सिंपल रूल्स है ना, ये परेशानी का सबब बनते हैं एग्जाम के टाइम, इनको आप सीरियस लें। आईएनजी लगाने का रूल है वो इतना इजी नहीं है,
एक देखिए दूसरा रूल आई एनजी लगाने का वर्ब के साथ। पिछली बार तो मैंने ऐसे लिखा था, जैसे मैंने लिखा था रीड, और रीड के साथ मैंने क्या लगाया था, आई एनजी लगाया था, और उससे वो क्या बन गया, रीडिंग बन गया। अब देखिए आप यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, विशेष आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है कि मैक के साथ जब आई एनजी लगाते हैं, मैक के साथ जब आप आई एनजी लगाएंगे तो ध्यान रखना रिमूव ई यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई आता है उनके आई एनजी लगाते वक्त ई को हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। जैसे ये देखिए मैक का अंतिम जो लेटर था वो ई था, आई एनजी लगाते वक्त मैंने ई को हटा दिया और ये क्या हो गया, मैकिंग हो गया। जैसे देखिए राइट, राइट के अंतिम लेटर क्या है, ई है, तो आई एनजी लगाते समय मैंने ई को क्या कर दिया, हटा दिया। अब कुछ सॉरी कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि सर ये दो ही क्रियाएं ऐसी हैं क्या, नहीं बेटा दो ही नहीं है, क्रियाएं बहुत होती हैं ऐसी। मैंने रूल बता दिया कि जिन क्रियाओं के अंत में आपको ई मिले तो आप ई को हटाकर क्या लगाएंगे, आई एनजी लगाएंगे। जैसे देखिए क्रिया के आर यानी किसी की परवाह करना, आई एनजी लगाएंगे तो आपको ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये एक मैंने रूल बताया है, हजारों क्रियाएं ऐसी आप निर्माण कर सकते हैं। चलिए इसका तीसरा रूल, ये दो नंबर रूल हो गया आई एनजी लगाने का, तीसरा रूल क्या कहता है। अब की बार एक नई चीज दिया मैंने, देखो कट प्लस आई एनजी, इसमें टी को मैंने क्या कर रखा है, डबल कर रखा है, यानी आई एनजी लगाते हैं तो कुछ क्रियाओं का अंतिम लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन डबल कब होगा, कब होगा डबल, इस चीज पे हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है कि ये डबल कब होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं ये डबल कब होगा। देखो बेटा अगर हम कोई क्रिया लेते हैं, उस क्रिया के अंत में हमको एक मिले कॉन्सोनेंट, क्या मिले बेटा, कॉन्सोनेंट मिले नहीं, व्यंजन मिले, उस व्यंजन से पहले हमको क्या मिले, वोवल मिले यानी कि एक स्वर मिले, और उससे पहले क्या मिले, कॉन्सोनेंट मिले, उसके पहले क्या है हमें उससे लेना देना नहीं है। कोई क्रिया आती है अंतिम छोर से देखना शुरू करना है, अगर क्रिया के अंत में आपको कोई कॉन्सोनेंट मिले, जैसे इसमें देखो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर देखो हमको क्या मिले, एक वोवल मिले, जैसे इसमें देखो यू क्या है, वोवल है यानी स्वर है, फिर देखो सी कॉन्सोनेंट यानी ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले कुछ भी आए उसका हमको लेना देना नहीं है। लॉन्ग यानी लंबी स्पेलिंग भी हो सकती है, अगर ये फॉर्मेशन हमको मिलता है तो आई एनजी लगाते समय अंतिम लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखिए कट का मैंने क्या कर दिया, कटिंग कर दिया। ऐसी देखिए स्विम, एस डब्ल्यू आई एम, फॉलो कीजिए रूल को, अंत में देखो क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, उससे पहले क्या आ गया, वोवल आ गया, उससे पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, आगे क्या है हमें मतलब नहीं है। इस क्रिया के आई एनजी लगाएंगे तो ये जो अंतिम वाला लेटर है एम, ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको डबल कर रखा है। फिर मैंने कुछ क्रियाएं आपके लिए रखी हैं कि आप भी अपना हाथ आजमाइए, प्रैक्टिस करके देखिए कि आई एनजी लगा पा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, कौन सा रूल आ रहा है। इट के साथ आई एनजी लगाएंगे तो क्या आएगा, इसमें न तो डबल वाला सिस्टम है कोई, क्योंकि देखो वोवल आ गया, सॉरी कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वोवल आ गया, डबल वोवल आ गया, यानी वो फॉर्मेट नहीं बन रहा, और इसके अंत में ई भी नहीं है, तो सीधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये एक स्पेशल वर्ब है डाई, डी आई ई डाई, और इसके साथ अपन को क्या लगाना है, आई एन जी लगाना है। मैंने कहा कि जिस क्रिया के अंत में ई आता है तो ई को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। आप कहोगे सर रिमूव करेंगे तो ये फिर डी आई ई आई एन जी होगा क्या, नहीं होगा, ये एक एक्सेप्शन है। देखिए अगर ई मिले, जैसे मैंने एक वर्ड आपको बताया था, ये लिखा था राइट, मैं देखो बेटा इसमें ई के तुरंत पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, बट इसमें देखो डबल वोवल है आई और ई, तो इस कंडीशन में ई को हटाना जरूर है। अगर कोई भी क्रिया के अंत में आपको आई और ई साथ में मिले तो आई ई की जगह आपको लिखना है, सॉरी वाई, आई ई की जगह क्या लिखना है, वाई लिखना है। तो अब देखो इसको बनाते हैं, डी आई ई का क्या बन जाएगा, डी और आई ई का क्या बना दो, वाई बना दो, और क्या लगा दो, आई एन जी, डाइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बैग, बैग का मतलब क्या होता है, ये क्रिया है बी ई जी बैग, बैग का मतलब भीख मांगना किसी से, आलम जो अपन कहते हैं। अब जो बैग वर्ड है इसके आप आई एन जी लगाइए, अपने हाथों से लगाइए बेटा, आप क्या लेंगे, यानी कि आई एन जी अपने हाथों से लगा लीजिए, आप क्या आने वाला है, चेक कर लीजिए अपने नॉलेज को कि आप किस प्रकार इसमें क्या जी डबल होगा या फिर ओनली सिंपल रूल लगेगा या अंत में ई है, क्या है, कुछ नहीं है।
पीईजी बैग को देखिए, इसके अंत में हमको क्या मिला, कॉन्सोनेंट मिला, उससे पहले हमको क्या मिला, वोवल मिला, और उससे पहले क्या मिला, कॉन्सोनेंट मिला। इट मीन्स अंतिम लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, पीई डबल जी आई एन जी, बैगिंग। नेक्स्ट एक रूल और है, एक बोर है टाई, टी आई ई, टाई के अगर बांधना, टाई का मतलब होता है बांधना, ये क्रिया है। अगर टाई के साथ आप आई एन जी लगाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, देखिए एक जैसी वर्ड बेटा, डाई और ये क्या हो गया, टाई। मैंने कहा कोई भी क्रिया के अंत में यदि आपको सिर्फ ई मिलता है सिंगल, तो ई को हटा दो और क्या लगा दो, आई एन जी लगा दो। बड़ा सिंपल रूल है, अगर अपन पॉजिटिव सेंस में सकारात्मक विचारों के साथ कोई चीज को सीरियस लेकर पढ़े ना, तब जाके वो चीजें क्लियर होती है। लेकिन ई के साथ हमको क्या मिल जाए, आई भी मिल जाए, तो आई ई का क्या बना दो, वाई बना दो। जैसे ये टाई का आई एन जी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी वाई आई एन जी, टाइम, टी वाई आई एन जी, आई ई का हमने क्या बना दिया, वाई बना दिया। तो ये थे आपके वर्ब के साथ आई एन जी लगाने के कुछ सामान्य रूल्स। हमने पढ़ लिया कि पास्ट कंटिन्यूस में कौन से टेंस का अध्ययन होता है। आजकल के बच्चों को जल्दी बहुत है, उनको दो मिनट में पूरा टेंस चाहिए, पूरा नहीं होता बेटा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। सोचिए जीवन में कितनी बार टेंस इसको पढ़ा है, लेकिन वही बात फिर पलट के आते हैं तो वो चीजें हमको नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि सही चीज को हमने सही टाइम नहीं दिया, टाइम देना सीख गया। हमने पढ़ा कि कौन से एक्शन आएंगे, हमने पढ़ा कि इसमें जो मुख्य क्रिया काम में लेंगे वो क्रिया के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अब अपन आगे बात करेंगे इसमें कौन से रूल और फॉलो होते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रत्येक टेंस में एचबी और एमबी तो यूज होती है, और ये जो अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें सहायक क्रिया एक तो लगती है वॉज, और एक क्या लगती है, वर लगती है। एक चीज आपको मैं बीच में और बताऊं बेटा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। एक क्रिया लिखी मैंने पले, एक क्रिया लिख दिया मैंने ड्रिंक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्रिया का भी एकवचन बहुवचन रूप होता है या नहीं होता है? क्रिया का भी जैसे नाउन का होता है सिंगुलर और प्लुरल, क्या क्रिया भी एकवचन बहुवचन होती है? आप कहोगे सर सुना तो है, क्रिया मूल रूप से बहुवचन रूप में होती है। कौन सी रूप में होती है, बहुवचन रूप में। याद रखिएगा, प्ले है ये प्लुरल है, ड्रिंक है ये प्लुरल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद कीजिए आप, वहां हम लिखते हैं कि साधारण वाक्य में अगर कर्ता एकवचन हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस लगेगा, और बहुवचन हो तो नहीं लगेगा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों लगेगा क्यों नहीं लगेगा, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है। अगर कर्ता एकवचन हो तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, एकवचन। कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, बहुवचन। तो ये प्लुरल है, इन क्रियाओं के साथ जब अपन एस या ईएस लगाते हैं तो इनका कौन सा रूप खुल के आता है बाहर, इनका सिंगुलर रूप आता है। यानी कि मूल रूट जो वर्ब है क्रिया, तो मूल क्रिया है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अगर आप एस या ईएस लगाओगे ना तो क्रिया का कौन सा रूप प्राप्त होगा, हमें सिंगल रूप प्राप्त होगा, वरना क्रिया कौन सी रूप में होती है, प्लुरल रूप में होती है। आज के बाद इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, यही यहाँ हो रहा है। देखो क्योंकि इस टेंस का अध्ययन करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएंगे, प्लुरल भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे जी आएंगे। तो फिर क्या हुआ, यानी कि एक के साथ एस लगा हुआ मिलेगा, जैसे डू डज में देख लो डज के साथ ईएस है, इज आर एम में देख लो इज के साथ एस है, हैज हैव को देख लो एक हैज के साथ एस है, इसी तरह इसमें वोज वर्ब को देख लो इसके साथ एस है, तो रटने का झंझट खत्म। जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगा हो उसको एक वचन रूप प्रदान किया गया है एस या ईएस लगाकर, और उसका प्रयोग हमेशा कौन से कर्ता के साथ होगा, एक वचन कर्ता के साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, बेटा सब्जेक्ट वाक्य का नहीं होता, हम बार बार कहते हैं कि इस वाक्य का कर्ता एक वचन है, कर्ता वाक्य का नहीं होता, कर्ता होता है क्रिया का और कर्म होता है क्रिया का। अगर सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपको सर सिंगुलर कौन कौन से, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया राम श्याम मोहन गीता जयपुर लंका जो भी, तो उसके साथ अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो होगा वॉच। अगर हमको सब्जेक्ट प्लुरल मिलता है, प्लुरल में जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई और प्लुरल नाउन, तो उसके साथ क्रिया क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब ओवर लगेगी। तो सिंपल सेंटेंस की बात चल रही है जी, मैन वर्ब में आईएनजी लगेगा और सहायक क्रिया वोज और वर होगी, एक वचनकर्ता के साथ वोज आएगा, प्लुरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, साधारण वाक्य का फॉर्मूला लिखा है मैंने,
फॉर्मूला बेटा लमसम हर मतलब टेंस का एक ही होता है, सिर्फ एच बी और एम बी क्या कर जाती हैं, अक्सर बदल जाती हैं, एच बी और एम बी बदल जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट एच बी अपनी जगह नहीं छोड़ते, उसी जगह रहते हैं ये। अगर इस वाक्य के सेंटेंस के साधारण वाक्य की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमको साइक्रिया लगानी पड़ेगी, वोज या वर। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वोज आ जाएगा, अगर ये प्लूरल होगा तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको क्या लगाना है, आई एन जी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये इस वाक्य का सूत्र हो गया साधारण वाक्य का। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल में लिखा है ई एंड सी वह और वह, ई एंड सी वह और वह। आपको और कोई आधार नहीं दिया है मैंने, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस वाक्य को पास्ट कंटिन्यूस का आपको बनाना है। ई एंड सी वो जी अवर आएगा, बताना है टाइपिंग ए लेटर, कि वह और वह एक लेटर क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। सिर्फ मैंने एच बी पूछी है, एच बी पूछिए, एम बी तो मैंने दे रखा है टाइपिंग, तो भी सर इतना इजी पर्सन, हाँ बेटा सिंपल टू हार्ड, इजी टू डिफिकल्ट, ये रूल याद रखिए, पहले सिंपल चीजें पढ़िए, दिमाग मानसिक तौर पे हम तैयार हो जाए, उसके बाद डिफिकल्ट चीजों की तरफ जाएंगे। ई एंड सी टाइपिंग ए लेटर, आप बताएंगे मुझे वो जाएगा या ओवर आएगा। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब दो सिंगुलर नाउन हो, चाहे दो प्लूरल नाउन हो, चाहे एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, दोनों को जब एंड से जोड़ा जाता है तो कौन सी नाउन बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो आपका उत्तर आएगा डेफिनेटली कि सर इसमें क्या आएगा, ओवर आएगा। अब मैंने दो वाक्य लिखे हैं यहाँ पे, दोनों में एक वाक्य सही है एक वाक्य गलत है, इस फॉर्मूला के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य क्या है, गलत है। चलिए आप डिस्कस कर लीजिए फटाफट, दोनों वाक्यों का अध्ययन कर लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीजें मैंने लिख दिया, तो आपको डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, पढ़ने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो इन चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं और आप अपना उत्तर क्लियर कर लीजिए कि इसमें उत्तर क्या आने वाला है, यानी कि दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है, ये आपको मुझे बताना है। चलिए बोर्ड थोड़ा क्लियर हो गया आपके लिए। द पीपल वर डिस्कस ऑन दैट मैटर, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये सही गलत भी हो सकता है, कि लोग उस मुद्दे पर क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। दूसरा लिखा है द पीपल वर डिस्कसिंग ऑन दैट मैटर, उस मैटर पे लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आप मुझे ध्यान से देख के बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। आप लोग सब देखना शुरू कहां से करें, बेटा हर चीज को हल करने का एक तरीका होता है, देखिए यहां से करेंगे, ये तो कन्फर्म है पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य। द पीपल, The people in subject आ गया, क्या आ गया, subject आ गया, वर लगा दिया, वर लगा दिया नहीं, क्या आ गई, एच बी आ गई, और सही है ये plural है तो एच बी हमने क्या लगाई है, plural लगाई है। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए discuss, discussing, कोई अंतर लग रहा है क्या, discuss, discussing, मैंने बताया कि continuous tense में first form के साथ किसका यूज होता है, ing का होता है, में मैंने ing लगाया, बट इसमें ing नहीं लगाया, इट मींस ये करेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये था अपना साधारण वाक्य। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स आपके सामने बोर्ड पे हैं, आप फटाफट इनको लिख लीजिए, साथ में याद भी कर लीजिए। ज्यादातर मेरा ये कहना होता है कि आपको दिमाग में लिखना है, आप लोगों को ये चीजें कॉपी में भविष्य में पढ़ने के लिए आप लिख सकते हैं। लिखा है नेगेटिव सेंटेंस ही नहीं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य की मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। नकारात्मक वाक्य में साइक्रिया क्या आएगी, वही क्रिया वोज या वर, और इसमें मैन वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कहां हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज करते हैं, किसका करते हैं, नोट का, बाकी सिंपल सेंटेंस के क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, कहां डिफरेंस आया, सब्जेक्ट आ गया, वो जबर आएगा, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, इस पे फोकस कीजिएगा, नोट लगाया, नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज होता है, बाकी सेम है, वी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये तीन वाक्य हैं, तीनों वाक्यों में मात्र एक वाक्य सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और वो सही वाक्य आपको चयन करना है कौन सा है। वाक्य तो तीन है लेकिन बहुत मैटर डाल दिया मैंने इसमें, ध्यान से पढ़िए आप इनको, मैंने कहां गलत किया है, और फिर मैं आपको इनको समझाने का प्रयास करूंगा कि कहां क्या होना चाहिए। इनों सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए बेटा, इनों में कहां गलती हो रखी है। पहला सेंटेंस चलिए साथ ही हल करते हैं।
मैंने लिखा वी वर नो फाइटिंग टू वन अनदर, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे थे। स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है जी, वी आ गया, वॉज वर्ब में से वर आ गया जी, प्लुरल है। आप मुझे बताएं क्या मैं नोट की जगह नो को भी यूज कर सकता हूं, क्या मैं नोट की जगह नो लगा सकता हूं? आप कहेंगे सर सोचिए लगा सकता हूं नहीं। चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, एक तो होता है बेटा नो और एक होता है नॉट। देखिए बेटा अंतर ये होता है, नो होता है हमेशा एडजेक्टिव प्रेपोजिशन होता है ये, और नोट क्या होता है एडवर्ब होता है। आप नो का यूज करेंगे तो नो के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, कोई नाउन आनी चाहिए। नो के तुरंत बाद कोई क्या आनी चाहिए, नाउन आनी चाहिए। हम वर्ब का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे तो फाइटिंग वर्ब है। तो कब सर एक नो का वाक्य देखिए मैं बताता हूं, मैंने लिखा आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। अब मैं नो के बाद यहाँ पे वर्ब नहीं लगा सकता, अगर मैंने नो लगाया है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, नाउन ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो नाउन नहीं आया, इट मीन्स वाक्य क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, वी वर नॉट फाइटिंग टू वन अनदर, वी वर नॉट फाइटिंग टू ईच अदर। इसको तो क्लियर कर दिया कि नो की वजह से गलत हो गया, इसको कैसे करेंगे, डिफरेंस कहाँ है देखो, वी वर नॉट फाइटिंग टू वन अनदर, वी वर नॉट फाइटिंग टू ईच अदर। देखिए जी यहां अंतर आ रहा है, वन अनदर और ईच अदर, वन अनदर और ईच अदर का प्रयोग किसकी जगह हो रहा है, वी की जगह हो रहा है, यानी इन दोनों का यूज वी की जगह हो रहा है। और वी क्या है, इसका मतलब सब्जेक्ट है, चाहे नाउन मान लो प्रोनाउन मान लो। और जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम ही कहते हैं। इनका यूज इसकी जगह हो रहा है, मतलब इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, या तो ईच अदर आएगा या फिर वन अनदर आएगा। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर कर्ता दो व्यक्ति होते, कितने व्यक्ति होते, दो, मैं लिखता कि राहुल एंड सोहन वर नॉट फाइटिंग टू वन अनदर, नहीं लगाता ईच अदर लगाता। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन पढ़ेंगे हम बात करेंगे। ईच अदर का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे मैं कह सकता हूं राहुल एंड शीता वर नॉट फाइटिंग टू ईच अदर, वहां मैं वन अनदर नहीं लगा सकता क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, दो ही हैं, और व्यक्ति संख्या में दो से ज्यादा हो तो उनके लिए किसका यूज होता है, वन अनदर का यूज होता है बेटा। तो ये ईच अदर क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि वी तो हम हो गए, बहुत से लोग हो गए, और बहुत से लोगों के लिए ईच अदर का प्रयोग नहीं हो सकता। ईच अदर इज यूज फॉर ओनली टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है, मोर देन टू पर्सन वन अनदर। तो ये इनमें डिफरेंस था, और ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस, तरह ये सही वाक्य है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा वाक्य आ गया, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ बच्चों के प्रश्न है कि सर करेक्ट फॉर्म, हाँ आएगा, शांति रखिए, पहले तीनों वाक्यों के रूल तो क्लियर कर ले हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही रूल लगेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज या वरी लगेगा, मेन वर्ब क्या लगेगा, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगेगा, जो कि हम साधारण वाक्य से चले आ रहे हैं। ये चीज मैंने क्लियर ही कर दी कि जिस क्रिया के साथ एस है मतलब उसको एक वचन रूप बनाया गया, एक वचन कर्ता के साथ उसका यूज होगा। फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव और सिंपल में था ना, उसमें ये एच बी और सब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। आपको सर डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड के संदर्भ में मैंने पिछली जो क्लास ली थी डिटेल्ड बताया था, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। सबसे पहले वो जी वर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, अदर वर्ड आएगा। अब देखिए तीन वाक्य, दो वाक्य लिए मैंने, आपको फिलअप करना है क्या आना चाहिए। लिखा वर यू द बेल एट दैट टाइम, क्या उस समय आप घंटी बजा रहे थे। मैंने सिर्फ यही पूछा कि आपको वर्ब बतानी है, मुझे क्या आएगा। वर का यूज कर लिया मैंने एच वी का, क्योंकि ये प्लुरल नाउन थी, प्रोनाउन था, इसलिए बोझ नहीं आ सकता, क्या आएगा, वर आएगा। अब हमें मैन वर्ब का यूज करना है जी, मैन वर्ब का यूज करना है, तो मैन वर्ब में अपन क्या लगते हैं, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी लगाते हैं। तो बताइए मुझे रिंग होगा कि रिंगिंग होगा, आपको सर रिंगिंग ही होगा, सही है, यहाँ तो ये चीज कन्फर्म हो रही है। लेकिन जब हमको एंड एरर पूछा जाता है तो यही सेंटेंस गड़बड़ कर देता है, क्योंकि आके बहुत लंबा बन जाता है। और फाइंड एरर को चेक करते समय हमें फॉर्मूलाज को साथ लेके चलना चाहिए कि जी ठीक है, एच बी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आई एन जी आएगा। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट वाक्य क्या कहता है, हितेश प्लेइंग फुटबॉल, वहां पे मैंने एम बी पूछा था, यहाँ पे मैंने क्या पूछ लिया, एच बी पूछ लिया कि हितेश फुटबॉल खेल रहा था, यानी मैंने एडवर्ब नहीं डाला है। लेकिन हम अध्ययन कौन से टेंस का कर रहे हैं,
पास्ट कंटिन्यूस का कर रहे हैं तो वाक्य तो उसी का होगा बेटा। वर वॉज हितेश प्लेइंग फुटबॉल, फटाफट मुझे बताइए वो जाएगा कि वर आएगा हितेश के साथ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। तो ज्यादातर बच्चों का जवाब होगा सर इसमें वॉज आएगा, पर वॉज ही क्या है। नहीं कहूंगा, नॉर्मल रूल्स बता दिए हैं। अब रूल्स की बात जब पेपर की बात आती है तो पेपर में हमको करेक्ट फॉर्म पूछा जाता है, और करेक्ट फॉर्म में हिंदी को काम में नहीं ले सकते अपन। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, सर नहीं बताया, वो चीज कब यूज आती है, जब अपन कोई हिंदी का वाक्य देते हैं हमको क्या बनाना हो, इंग्लिश में बनाना हो। मैं करेक्ट फॉर्म पे फोकस कर रहा हूं। एडवर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कौन कौन सी एडवर्ब होते हैं देखो। पहला इसका एडवर्ब होता है एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम, उस समय, एडवर्ब ऑफ टाइम है ये सब के सब। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। इन दोज डेज, उन दिनों। वाइल का अर्थ होता है जबकि। एक बार हिंदी अर्थ और रिपीट कर देता हूं, एक बार और लिख लीजिएगा। हम आलसी बहुत होते हैं, बड़े लेजी होते हैं, लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, उसी में मात खाते हैं। एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। एट दैट डे भी आ सकता है, उस दिन। इन दोज डेज, उन दिनों। इन दोज डेज, उन दिनों। और वाइल होता है जबकि। अगर कोई भी सेंटेंस में ये चार में से कोई एडवर्ब आपको मिलता है, इसकी मेनली एडवर्ब ये चार ही है, बाकी कुछ कंडीशंस और हैं जिनका भी मैंने लिखा है, आगे मिल जाएगा आपको। चलिए इनके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जांपल कहता है एवरीवन एट दैट टाइम, ये वाक्य जी आपको मिले। क्लैप्ड, वॉज क्लैपिंग, वर क्लैपिंग, हेड क्लैप्ड। और आपको कहा जाए कि करेक्ट फॉर्म क्या करनी है, फिलअप करनी है, तो सबसे पहले नजर जाएगी आपकी एट दैट टाइम में। ये एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में साइक्रिया क्या होती है, वॉज और वर होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। तो जिनके साथ वॉज वर नहीं उनको तो काट दें हम, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूस है। तो कौन कौन सी को कट कर सकते हैं बेटा, इसको कट कर सकते हैं क्योंकि एचसीवी है ही नहीं, इसको कट कर सकते हैं क्योंकि हेड नहीं आएगा, तो दो बच गई, वर्क क्लैपिंग और वॉज क्लैपिंग। तो देख लीजिए एवरीवन सिंगुलर है, प्लूरल है, प्रत्येक व्यक्ति उस समय ताली बजा रहा था। क्लैप वर्ड था ना, क्लैप, टी एल ए पी, इसका हिंदी अर्थ होता है ताली बजाना। और सेकंड फॉर्म होती है क्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्लैप्ड ही होती है। साथ साथ में क्रियाएं भी याद करते चले, क्योंकि ग्रामर की आत्मा होती है क्रिया, जितनी क्रियाएं आएंगी उतना ही हमारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। आंसर निकल के आ गया होगा, एवरीवन के साथ क्या आएगा, वो जाएगा, वोज क्लैपिंग। चलिए दो नंबर एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर देखिए, बड़ा सुंदर सा एग्जांपल बेटा आपके सामने बोर्ड पे रहा, आप उत्तर निकाल लीजिए फटाफट, क्या उत्तर आने वाला है। प्रश्न क्या कहता है, एट दैट मोमेंट द बर्ड इन द स्काई, एट दैट मोमेंट द बर्ड इन द स्काई। आंसर क्या है, इज सर्फिंग, वो चैपिंग, वर चैपिंग, हैज बीन चैपिंग। चैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, चहचाना, बोलना, पक्षियों के द्वारा आवाज करना, उसको चैप बोलते हैं, सी एच आई आर पी। एट दैट मोमेंट, इसमें हमको एडवर्ब क्या मिला, एट दैट मोमेंट मिला, कंफर्म हो गया पास्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस है तो कौन कौन से ऑप्शन को मैं कट कर सकता हूँ, हैज वाला कर सकता हूँ क्योंकि ये तो हैज तो पास्ट की कंटिन्यूस की क्रिया ही नहीं है। इज को कर सकता हूँ, तो कितने बच गए, वो सर्फिंग और वर सर्फिंग। आपको सिर्फ सब्जेक्ट चेक करना है सिंगुलर है या प्लूरल है। बर्ड्स प्लूरल है, इट मींस उत्तर क्या हो जाएगा, वर चैपिंग हो जाएगा। चलिए तीन नंबर एग्जांपल, नीतू वाज डांसिंग व्हाइल तपेश फूड। क्या एक नई चीज बताता हूं मैं, जब दो क्लोज मिले आपको, क्या मिले, दो क्लोज मिले, दोनों क्लोज को किससे जोड़ा गया हो, वाइल से जोड़ा गया हो, यहाँ पे एक क्लोज मिले, क्लोज का मतलब वाक्य ही होता है, यानी कि जब दो क्लोज को वाइल से जोड़ा जाए, देखो इसमें क्या दे दिया, वाइल दे दिया। एक क्लोज तो ये हो गया नीतू वाज डांसिंग, और एक ही हो जाएगा तपेश फूड, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि जब दो क्लोज को से जोड़ा जाता है, वाइल से जोड़ा जाता है, इट मींस उसमें दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, दो एक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। वाइल एक कंजेक्शन है, वाइल कंजेक्शन का प्रयोग ऐसे दो क्लोज को जोड़ने के लिए किया जाता है जब दोनों कार्य एक साथ हो रहे। जैसे मैंने लिखा नीतू क्या कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और तपेश क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। तो ये नृत्य करने का काम कर रही है, ये खाना पकाने का काम कर रहे हैं, टाइम एक ही है, एक ही पल पे।
एक चीज को सुनना, जरूरी नहीं कि व्हाइल वाक्य में पास्ट कंटिन्यूस ही आए। अगर एक क्लोज में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस मिलता है तो दूसरे में भी क्या भरना पड़ेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही भरना पड़ेगा। अगर एक में आपको पास्ट कंटिन्यूस मिलता है तो दूसरे में क्या मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूस मिलेगा। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर दोनों ही रिक्त स्थान आ जाए तो ऑप्शन के माध्यम से अलग करना पड़ेगा, डबल ऑप्शन मिलेंगे, दोनों प्रेजेंट के हो तो प्रेजेंट के लो, दोनों पास्ट के हैं तो पास्ट के लो। तो यहाँ पे तपेश है इसके साथ फिर पास्ट कंटिन्यूस लें तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो बज गए, वॉज कुकिंग और वॉज बींग कुक्ड, ये तो पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। और पैसिव वॉइस कब काम में लेते हैं, जब कर्ता निष्क्रिय हो, इसमें तो कर्ता खुद खाना बनाने का काम कर रहा है भाई, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या बच गया, तपेश वॉज कुकिंग फूड, आंसर निकल के आएगा ए। चलिए नेक्स्ट चार नंबर वाक्य की बात करते हैं, चार में भी एक नई चीज है। व्हेन आई केम, जब मैं आया, कि वह अध्ययन कर चुका था, अध्ययन करता था या अध्ययन कर रहा था, ध्यान से सोचिए। कोई भी वाक्य की शुरुआत, ये व्हेन वाले काफी परेशान करते हैं, व्हेन से काफी सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, लेकिन हमें थोड़ा देखना पड़ता है। अगर ये पास्ट का है तो ये किसका रहेगा, पास्ट का ही रहेगा। ये कह रहा है कि जब मैं आया, एक एक्शन तो पूरा हो गया, यानी वो आ गया। जब मैं आया, जब व्यक्ति का एक एक्शन पूरा हो जाए, वो दूसरे एक्शन की चर्चा करता है, तो वो मतलब एक कंटिन्यूस एक्शन की चर्चा करता है कि जब मैं आया वो अध्ययन कर रहा था। अगर आपको वैन वाला वाक्य मिलता है और यहाँ आपको पास्ट इंडेफिनेट टेंस मिलता है वैन वाले में, तो यहाँ कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस आएगा। और पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो चयन कर लीजिए कौन सा उत्तर आएगा। व्हेन आई केम ही वॉज स्टडिंग, हैड स्टडीड, स्टडीड, इज स्टडीड, तो अपना उत्तर निकल के आएगा वॉज स्टडिंग, वो अध्ययन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट अंतिम पेज की तरफ अपन बढ़ते हैं। अंतिम पेज में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात मैंने आपको बताई है। इन हाइपोथेटिकल कंडीशन, डू यू नो व्हाट इज द हाइपोथेटिकल कंडीशन, क्या आप जानते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन क्या होती है, यानी कि जब कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा हो, यानी कि कोरी नीरी कल्पना कर रहा हो कि काश में प्रधानमंत्री होता, काश में पक्षी होता तो आसमान में क्या कर जाता, उड़ जाता, काश में राजा होता तो सभी लोगों की बहुत क्या करता, सहायता करता, बट है नहीं। काल्पनिक वाक्य है, मन में कल्पना करना, उनको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशंस या हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो देखिए, वी ऑलवेज यूज वर्ब विथ आई एज मैन वर्ब, तो हम आई के साथ वॉज का प्रयोग नहीं करते। वहां देखिए बेटा, मैं एक लिखा आई वॉज प्लेइंग, में क्या कर रहा था, खेल रहा था, ये वास्तविक कंडीशन है, मैं क्या कर रहा था, खेल रहा था। लेकिन आई के साथ आप वर लगा दोगे ना, आई वर ए बर्ड, तो ये वास्तविक कंडीशन नहीं है, कल्पना हो रही है कि काश मैं एक क्या होता, पक्षी होता। तो ये कंडीशंस बताइए मैंने यहाँ, कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में हम हमेशा आई के साथ किसका यूज करते हैं, वर का करते हैं, एज मैन वर्ब, किसके रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। थोड़ी पहचान और बता दूं, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ आई विश एज इफ, अगर सेंटेंस में आपको आई विश मिलता है या एज इफ मिलता है, इन दोनों का अर्थ होता है मानो, तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है और उसमें आप डेफिनेटली किसका यूज करेंगे, आई के साथ वर का करेंगे। अन्य अगर प्रोनाउन है तो उसके साथ भी क्या आएगा, वर ही आएगा। तो ये वाक्य देखिए, आई विश की काश में होता, आई विश आई ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो कल्पना कर रहे हैं ना, और सेंटेंस की शुरुआत आई वी से हुई, तो आई के साथ आप वोज लगाएंगे तो वास्तविक कंडीशन बनेगी, और ये काल्पनिक कंडीशन है, इसलिए इनको हाइपोथेटिकल कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे आप वोज न लगा के क्या लगाएं, वर लगाएं। ऐसा ये वाक्य है, ही प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स का अर्थ होता है बहाना बनाना, कि वो बहाना बनाता है एज इफ मानो, एज इफ का अर्थ क्या हो गया, मानो ही स्लीपिंग, मानो कि वो क्या कर रहा हो, सो रहा हो। He pretends, वो बहाना बनाता है मानो कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है। ऐसी conditions में हमको ये noun या pronoun singular होते हुए भी plural verb का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, और इसको बोलते हैं hypothetical conditions। तो इसमें अपन ही के साथ क्या लगाएं, was लगाएं या were लगाएं, आप definitely कहोगे सर were लगाया जाए। जैसे if I were a king, यदि मैं एक राजा होता, if I were a prime minister, मैं क्या होता, प्रधानमंत्री होता। तो इसमें सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ प्लुरल का यूज किया जाता है वर्ब का। ये थे अपने पांच रूल जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। इवन आपको वीडियो अच्छा लगा
तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका मन नहीं करे कोई बात नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, बस पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही क्लास आएगी, उस क्लास में मैं पास्ट कंटिन्यूस के, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनेट भी हो गया, पास्ट कंटिन्यूस भी हो गया, आज पास्ट कंटिन्यूस के जितने वाक्य बताए आपको पता था कि सर कौन सा वाक्य डालने वाले हैं, तो डेफिनेटली पास्ट कंटिन्यूस का ही डालेगा, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें पास्ट इंडेफिनाइट प्लस पास्ट कंटिन्यूस दोनों के कंबाइंड में आपके सामने एग्जाम्पल लेके आऊंगा, और वो क्लास सिर्फ रहेगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। 20 वाक्य आएंगे, उसमें 10 इंडेफिनाइट के होंगे और 10 किसके होंगे, कंटिन्यूस के होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट अपन टेंस परफेक्ट पढ़ेंगे पास्ट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ऐसा लगा कि मैंने कुछ एक घंटा मेहनत करके आपको कुछ दे पाया हूँ, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जो बांटने से बंटती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। और जो व्यक्ति शिक्षा को, अपनी एजुकेशन को लोगों के बीच में शेयर नहीं करता, या कोई काम की नहीं जाती। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय माँ भारती। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉड।